सूरजकुंड। और जिन लोगों को नहीं पता, सूरजकुंड मेला साल में एक बार होता था, शुरू से बहुत बहुत सालों से हो रहा है, और फरीदाबाद में। और ये इंटरनेशनल क्राफ्ट्समैन मेला भी कहा जाता है, बिकॉज इंटरनेशनली जितने भी कलाकार लोग हैं ये अपना आर्ट शो करते हैं, जैसे बहुत कुछ जूट वर्क, हैंडीक्राफ्ट, जो भी ऐसे आइटम्स होती है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस बार का थीम है जम्मू एंड कश्मीर। और आप कुछ कहना चाहेंगे? तो इस मेले में क्या क्या है उसके लिए स्टे ट्यून्ड टू दिस वीडियो। सूरजकुंड मेले को सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला कहा जाता है, एंड दिस इज द 35th इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला। यहाँ दुनिया भर से लोग आकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इट कुड बी आर्ट वर्क, वुडन वर्क, कल्चरल फोक डांसेस और बहुत कुछ। क्योंकि ये मेला हरियाणा टूरिज्म करवाता है, इसलिए उन्होंने लोगों की सहूलियतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। और सूरजकुंड के लिए एक स्पेशल रोड डाइवर्जन भी दिया है ताकि वहाँ ज़्यादा भीड़ ना लग पाए। इसके साथ साथ टू व्हीलर, फोर व्हीलर और बसेस पार्किंग भी अवेलेबल कराई है। अब जानते हैं यहाँ की टिकट बुकिंग कैसे होती है। आप यहाँ की टिकट इस वेबसाइट लिंक पे जाके बुक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करने में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप वहाँ जाके भी टिकट ले सकते हैं। और यहाँ पे आपकी एंट्री कुछ ऐसे होगी। ढोल नगाड़े आपको जगह जगह सुनाई देंगे। और पहुंच गए हैं मेले के एंट्रेंस पे। हमने गेट नंबर 2 से एंट्री किया और आप देख सकते हैं यहाँ पे वुडन वर्क, झूलों की शॉप और बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट आपको एकदम मेन गेट पे दिख जाएंगे। और ये रहा मेरा सबसे फेवरेट काउंटर, मधुबनी स्टॉल, जो कि बिहार के नेशनल अवार्डी का है। ये पेंटिंग्स मिस्टर चंद्रभूषण कुमार जी की हैं और इन पेंटिंग्स में बहुत ही बारीकी का काम किया गया है। आई लिटरली गॉट स्केयर्ड विद दिस वन। एकदम असली लगते हैं ना। और ये भी थे। नेक्स्ट स्टॉल अगेन एक स्टेट अवार्डी का है फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और यहाँ के सारे हैंडबैग जूट के हैं। ये मार्केट बहुत ही कलरफुल है, आप खुद ही देखिए। ये बैम्बू वर्क वेस्ट बंगाल से है। बैम्बू के बाद आपको देखने को मिलेगा ब्रास का वर्क है। ये को यहाँ आए हुए सारे आर्टिस्ट स्टेट अवार्डीज, नेशनल अवार्डीज, और ये है पद्मश्री अवार्डी। ये है स्टॉल पटियाला से, और यहाँ पे आप कलरफुल कुर्ते सेट, एम्ब्रॉयडरी वर्क, फुलकारी वर्क देख सकते हैं, एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी हैं। बीड वर्क, ज्वेलरी हो या ड्रेस, आपको यहाँ से सभी चीज़ें बहुत ईजिली मिल जाएंगी। बंदेज का काम हो या यूपी का, मधुबनी आर्ट या वर्ली आर्ट, वुडन वर्क हो या मार्बल का वर्क और शेल वर्क, यहाँ आपको सारी वैरायटी मिलती है। एक वीडियो में पूरा कवर करना मुमकिन ही नहीं है, तो आप ज़रूर जाके खुद देखिए। ये 4 अप्रैल तक है, इस साल नहीं तो अगले साल ज़रूर जाइएगा। अब शॉपिंग के बाद हम चलेंगे कुछ खाने के लिए। खाने में भी हर स्टेट की वैरायटी मिल पाएगी आपको, और सबसे पहले दिखेगी पुरानी दिल्ली की स्टॉल। पुरानी दिल्ली की चाट हो या छोले भटूरे,
राजस्थान की दाल बाटी चूरमा या कश्मीर का कावा, सारे स्टॉल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो यहाँ का ज़रूर लुत्फ उठाइएगा। और हम पहुँचेंगे सबसे पहले गोहाना का जलेबी नहीं जलेबा खाने। क्योंकि ये हरियाणा टूरिज्म ने बनाया है तो चलते हैं अब हरियाणा के स्टॉल पे। यहाँ पे लोग कुछ लोग अपनी पगड़ी बंधवा रहे थे, यहाँ देख सकते हैं आटा चक्की। और मुझे सरप्राइज मिला, नीरज आर्या, हाँ जी नीरज आर्या जैसे सेलिब्रिटी यहाँ आके परफॉर्म करते हैं। नीरज आर्या वही है जिन्होंने हिंदी मीडियम में फकीरी का गाना गाया है। और ये सुनो इनका लाइव बैंड। और इधर लिया मैंने मम्मी से पापा के टाइम के मेले का मजा। अब आते हैं जम्मू एंड कश्मीर जो कि यहाँ की मेन थीम है। J&K के हाउस बोट्स बहुत सुंदर से बनाए हुए थे जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ शॉपिंग कर ली, खाना खा लिया, लाइव परफॉर्मेंस एंजॉय करके हम अपने दिन क्लोज किया एक पान से। और सुनते हैं पान वाले भैया हमें क्या कहते हैं। ये पान है हल्का, खराब लग रही है प्यारी सी बाहरों की बनका। And this indeed made my day. I hope आपको ये वर्चुअल टूर ऑफ द मेला पसंद आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बंजारा सर्कल।